नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़। बिहार में जब से जीताराम मांझी ने ब्राह्मणों को गाली दिया है, उस पर चिराग पासवान भड़क गए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ब्राह्मणों को गाली देने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी राजनीतिक रूप से घिर गए हैं। जहां भाजपा और राजद की तरफ से उनकी सोच पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं अब चिराग पासवान ने भी मांझी के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। चिराग पासवान ने मांझी को बयान को पूरी तरह से गलत करार दिया है और चिराग ने कहा है कि आप किसी धर्म को नहीं मानते, किसी त्यौहार को नहीं मानते, यह आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन किसी जाति धर्म को गाली देना या कहीं से भी आपको शोभा नहीं देता है, वह भी तब जब आप राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हों। जो लोग आस्था रखते हैं उन्हें आप ऐसे ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। चिराग ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि बिहार को हमेशा से ही जात पात के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है, मांझी भी वही कर रहे हैं। गाली देकर उन्होंने कहा है, ये मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है। भाई, आप बिहार के आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपने बिहार की कमान आपने संभाली है, ऐसे में अपने ही प्रदेश के एक जाति विशेष को इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना संभवतः हो सकता है कि भाई आपकी व्यक्तिगत आस्था नहीं हो इन सब चीज़ों में, वो अलग बात है। मुझे लगता है धर्म पूजा पाठ ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है, आपकी संभवता नहीं होगी, पर जिन लोगों की है उनकी आस्था को इस तरीके से ठेस पहुंचाना, पूजा के बारे में इस तरीके से कहना या जो पूजा करवाते हैं उनके बारे में इस तरीके से गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये गलत है। आखिर किस तरह का संदेश वो देना चाह रहे हैं, कैसी राजनीति चल रही है बिहार में? देखिए, बिहार में दिक्कत यही है ना कि बांटने की राजनीति बहुत होती है, जात पात धर्म मजहब अगड़ा पिछड़ा विभिन्न प्रकार के विभाजनों में बांटने की राजनीति होती है। मैं बार इस बात को कहता हूं कि मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, मेरे लिए अगर पूरे प्रदेश में कोई एक चीज़ है जिसमें लोग बटे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमीरी और गरीबी में। एक मुट्ठी भर लोग हैं हमारे प्रदेश में जो अमीर होते जा रहे हैं और एक बड़ी आबादी है जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे है। तो अगर किसी फर्क को मिटाना है, किसी भेद को मिटाना है, तो ये अमीरी गरीबी के फर्क को मिटाना है। बट कुछ लोग हैं जो इसमें जात पात के आधार पर लोगों को बांटते हैं और अपनी राजनीति करते हैं। एनडीए में अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो सही नहीं दिख रही है। मांझी कह रहे हैं कि समय आया तो तख्ता पलट कर देंगे सरकार की। अब बताइए वो किसको धमकी दे रहे हैं? अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि तख्ता पलट कर देंगे तो वो जिनके साथ सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी को ही ना वो कह रहे हैं भाई। तो अगर कोई ऐसा गठबंधन जो इतना बेमेल हो, जहाँ पे एक दूसरे सहयोगी ही एक दूसरे को सरकार गिराने की धमकी दे रहे हों, तो ये कहीं ना कहीं अपने में दर्शाता है कि इनमें कोई विचारिक समानता नहीं है, सिर्फ इनमें एक लालच की एक राजनीति से ये लोग बंधे हुए हैं और वो लालच है सिर्फ सत्ता का सुख पाना। और अगर वो नहीं मिला, अगर इनके अनुपात में, अगर इनके कहे से अगर कार्य नहीं हुए तो सरकार भी लोग गिराए। आप लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है वाचकों के लिए और बाकी अन्य कई मांगे की है, क्या कुछ? देखिए, कल मैं गया था गर्दनी बाग, जहाँ पे तमाम वार्ड सचिव संघ के लोग धरने पर बैठे हुए थे और उनकी अपनी अपनी मांगे थी, उनकी अपनी जायज शिकायतें थी कि भाई पिछले 4 साल से जिनकी सेवा का इस्तेमाल करके राज्य सरकार ने उनसे काम करवाए, उन्हीं के कामों को विधानसभा के चुनाव में बुनाने का काम किया और आज 4 साल के बाद लगभग 1,15,000 के करीब इन लोगों को बिना किसी सूचना के, सिर्फ एक आदेश के माध्यम से इन लोगों को पदमुक्त कर दिया गया। तो इस बात को लेकर इनकी अपनी चिंता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।